नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे चारधाम यात्रा पर मंडरा रहे संकट की। जी हां, चारधाम यात्रा पर स्नो अटैक का नया संकट मंडराने लगा है, क्योंकि चारों धामों में अचानक मौसम बदलने से भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज दो दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले हुई ताजा बर्फबारी ने शासन प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी, क्योंकि चारों धामों से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली। ये चारों तस्वीरें केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम की, जहां हुई ताजा बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी। परेशानी इसलिए है क्योंकि अभी पहले से ही जमे मोटे मोटे ग्लेशियर को मजदूर दिन रात जुटकर हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से बर्फबारी होने से काम और ज्यादा बढ़ गया। अब आपको गंगोत्री धाम में हुई ताजा बर्फबारी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे गंगोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। यहां आधे से एक फुट तक बर्फबारी होने से आवाजाही में परेशानी हो रही। गंगोत्री में 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे, लेकिन बर्फबारी ने चुनौतियां खड़ी कर दी। अप्रैल का महीना चल रहा है और गंगोत्री गौमुख मार्ग या गौमुख तपोवन आदि क्षेत्रों में सब जगह बर्फ गिर रही है और अभी भी लगातार बर्फ गिर रही है। जबकि क्या पता अभी दो दिन तक मौसम भी अभी क्या पता है बना रहेगा। और अप्रैल के महीने जो हम सब लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के समस्त कर्मचारी हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने स्थान पर मुस्तैदी से तैयार हैं। इतना ही नहीं, बड़कोट में यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। परेशानी इसलिए है कि यहाँ भी 22 अप्रैल को ही माँ यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, लेकिन बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव ग्लेशियर के पास हिमपात होने से पैदल मार्ग बंद हो गया है। यहाँ 25 अप्रैल को बाबा के कपाट खुलेंगे, लेकिन करीब 2 फीट तक हुई बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों पर पानी फेर दिया। यही आलम जोशीमठ का भी है, यहाँ भी बर्फबारी होने से यात्रा को लेकर हो रही तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जिसमें अभी एक हफ्ता बचा है। यहाँ भी आधा फीट तक बर्फबारी हुई है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि चार धाम यात्रा शुरू होने में दो दिन का वक्त बचा है, लेकिन चारों धाम में जिस तरह से ताजा बर्फबारी हुई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अगले दो दिन तक अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी अधूरी हैं। इस बीच चिंता ये है कि केदारपुरी में दूसरे चरण के निर्माण काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। अगर ये निर्माण काम वक्त पर पूरे हो जाते तो यात्रियों को काफी सुविधा होती। ২০১৩ की आपदा के बाद अब तक केदारपुरी को संवारने का काम जारी है। केदारपुरी में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिसमें कई जरूरी काम किए जा रहे हैं। जहां एक और बाबा केदारनाथ की यात्रा तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। यहां पर मौसम साफ होने के बाद जो निर्माणदायी संस्थाएं हैं, वह भी निर्माण कार्य में जुट चुके हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, केदारनाथ मंदिर मार्ग पर तीर्थ पुरोहितों के जो आवासीय भवन थे, पुराने जर्जर भवन थे, उनको तोड़कर नए भवनों का यहाँ निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी यहाँ पे काम चल रहा है। आपदा के दौरान केदारपुरी तबाह हो चुका था, अब उसे फिर से पुराने रूप में लाने की मुहिम चल रही है। उसी के तहत केदारपुरी में कई निर्माण काम हो रहे हैं। हमारा यहाँ पे अभी जो तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निर्माण हो रहा है, वो हो रहा है। उसमें हमें अभी हमारे पास अभी 5 बिल्डिंगों का कार्य है, जिसमें से एक बिल्डिंग लगभग 60% पूर्ण हो चुकी है। उसके अलावा जो है 4 बिल्डिंग अभी, उसमें से 3 डिमोलिश हो चुकी हैं और एक अभी डिमोलिश होना बाकी है। इसमें उसके अलावा भी हमें जो मुख्य समस्याएं इसमें आ रही हैं, वो है सामान का पहुंचाना। जैसे कि बर्फ़ की वजह से इस बार जो है घोड़ों में काफ़ी लेट हुए आने में, तो अभी घोड़े जो है सामान, मतलब जो इसमें तीर्थ भवनों में जो है निर्माण सामग्री यूज़ होनी है, वो हमें काफ़ी देरी से पहुँच रही है इसकी वजह से। लिंचोली से लेकर बेस कैंप तक स्थानीय लोगों को लॉटरी के माध्यम से रोजगार देने के लिए जगह आवंटित की गई थी, लेकिन इस बार भी अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है।
25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ की कपाट खुलने जा रहे हैं, उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने अपने भवनों को सजाना शुरू कर दिया। इसके अलावा प्रशासन की ओर से अन्य लोगों को भी जिले में रोजगार दिया जाता है, वह भी बेस कैंप अन्य स्थानों पे अपना रोजगार शुरू करते हैं, चाहे चाय ढाबा की दुकान की बात हो, चाहे वो टेंट कॉलोनी की बात हो, उनको लगाने की परमिशन दी जाती है, जिसके बाद वो लगाते हैं। पर लेकिन इस बार बर्फबारी होने के चलते जो लोगों का जो व्यवसाय है अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है बर्फबारी हटाई जा रही है, जो बर्फ़ गिरी हुई थी 3 से 4 फीट तक की वो भी हटाई जा रही है। काफ़ी खर्चा यहाँ पर लोगों का हो चुका है, चूँकि अमूमन देखा जाता है कि अप्रैल माह में बर्फबारी नहीं होती है, जिसके बाद लोग अपने कामकाज में जुट जाते हैं, यात्रा तैयारियों में जुट जाते हैं। पर लेकिन इस बार बर्फबारी काफी होने के चलते लोगों को काफी नुकसान भी यहाँ उठाना पड़ा है बर्फबारी को हटाने के चलते। जिन लोगों को दुकानें मिली थी अब वे उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है। समूह के माध्यम से प्रशासन तो एक तरफ से बोल रही है कि हाँ ये समूह का है, फिर स्थानीय लोग बोल रहे हैं पिछले साल हम थे और अब हम कहाँ जाएंगे। हमारा ये कहना है कि हम समूह के माध्यम से यहाँ पे आ रखे हैं और हम 2-4 टेंट लगाएंगे, हम भी अपना रोजगार करेंगे यहाँ पे शुरू और जगह का हम बनाएंगे। लोग बोल रहे हैं हम पिछले साल हम थे, जगह मिली नहीं आपको अब तक? जगह तो प्रशासन ने बोला है यहाँ पे करो, फिर लड़ाई कर रहे हैं हमारे साथ। अभी तो परेशानियाँ तो बहुत हैं क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा गिर रखी है और हम लोगों ने तो यहाँ पे खुद ही लेबर लगा रखी है कि जो 10,000-12,000 में लेबर लोग तैयार हो रहे हैं और बर्फ को हटा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आकर पता चलता है कि अधिकारियों के दावे सिर्फ हवा हवाई हैं। अफसरों के बयान और ग्राउंड जीरो की हकीकत बिल्कुल अलग है। ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में केदारपुरी को फिर से पुराने रंग में लौटाने का सपना कैसे पूरा होगा। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ धाम से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। 25 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत और ऐसे में अभी निर्माण कार्य अधूरे हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की किताब साइबर एनकाउंटर्स जल्द आ रही है, जिसमें साइबर क्राइम से जुड़ी 12 कहानियों को दर्शाया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से बात की एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की आज किताब आ रही है साइबर इनकाउंटर्स के नाम से। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद है डीजीपी साहब। सर, क्या कुछ इस किताब में जानने को मिलेगा और किस तरीके से आपने इसको लिखा है? देखिए, ये साइबर इनकाउंटर जो किताब है मेरे साथ, मेरे को ऑथर ओपी मनोजा जी के साथ मैंने मिलकर लिखी है। इसमें साइबर क्राइम की 12 कहानियाँ हैं और वो उनके थ्रू ये दर्शाया गया है कि कैसे आम आदमी साइबर फ्रॉडस्टर्स के जाल में फंसता है और फिर कैसे पुलिस केसेस को वर्कआउट करती है और जब वो ये समझेगा तो फिर उसे बचने के तरीके भी कि कैसे हम साइबर क्राइम से खुद को सुरक्षित रख सकें, ये हमने इस किताब के माध्यम से प्रयास किया है। 12 कहानियाँ आपने बताई है, क्या कोई कहानियाँ उत्तराखंड की भी है कि देश भर की 12 कहानियाँ? देखिए, जो विक्टिम हैं वो तो अधिकांशतः उत्तराखंड के हैं, ठीक है, किंतु जो क्रिमिनल हैं वो देश भर नहीं दुनिया भर के हैं। यानी एक कहानी में विक्टिम अमेरिका के भी हैं, जो कॉल सेंटर्स के फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं। अदरवाइज अधिकांश विक्टिम जो हैं उत्तराखंड के हैं, पर जो क्रिमिनल्स हैं वो जो है झारखंड जमतारा से लेकर के मेवात क्षेत्र से लेकर के अरुणाचल से लेकर के नाइजीरिया और कैमरून तक के इसमें क्रिमिनल्स हैं, उन सब की कहानियाँ चाइनीज तक से लेकर के। जी, तो ये सॉल्व्ड केस आपने लिखा है या फिर इसमें कई सारे केसेस जो अनसॉल्व्ड भी हैं? नहीं, हमने तो भाई क्योंकि दिखाना था क्राइम कैसे होता है, कैसे वर्कआउट होता है, ये सिर्फ सॉल्व्ड केसेस लिए हमने। हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, जिनकी किताब साइबर इनकाउंटर्स आज आ रही है, जो कि तमाम सारे लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इसका फोरहेड अमिताभ बच्चन ने लिखा है, जो कि खुद साइबर क्राइम का शिकार हुए थे, जैसा कि डीजीपी साहब ने बताया है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। देवभूमि उत्तराखंड में अज्ञात शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक साल में उधम सिंह नगर जिले में 65 अज्ञात शवों को बरामद किया गया, जिनमें से केवल 21 की शनाख्त हो पाई और 44 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इनमें सबसे ज्यादा 22 शव काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में बरामद हुए हैं। ये वो क्षेत्र हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के रामपुर और मुरादाबाद जिले से लगी हुई है। जिले के जसपुर थाना क्षेत्र में भी 2 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा कुंडा में 1, बाजपुर और ITI थाना चौकी क्षेत्र में 2-2 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के आगे मजबूरी है कि लावारिस मिले शवों को 72 घंटे के बाद अंतिम संस्कार करना होता है। ऐसे में शव की पहचान की वस्तुएं पुलिस को संभाल कर रखनी पड़ती हैं। माना जा रहा है कि उधम सिंह नगर में ये लावारिस शव यूपी से यहाँ लाकर फेंक दिए जाते हैं ताकि इनकी पहचान ना हो सके। शिनाख्त होने के उपरांत मात्र शेष जो है 38 अज्ञात शव बचे हुए हैं, वो सब जो है विभिन्न प्रक्रियागत है,
तो कोई डीएनए टेस्ट में है, कोई जो है रिलेटिव आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है, कुछ जो है अज्ञात में भी है। तो कुल मिला के 38 ऐसे अज्ञात शव हैं जिसका जो है विभिन्न प्रक्रियागत टेस्ट में हमारा पेंडिंग है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।